माननीय कुमुद रंजन साहब को भी जो माइक देते हैं दो सब को अपने विचार पर रखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और आज भारत विकास परिषद के माध्यम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें हम लोगों को आज जैसे देशभक्ति की जज्बा को कायम रखने में एक जज्बा आज दिखा कि हमारे समाज में देशभक्ति की जज्बा कायम है। लेकिन ये हम लोग जो देखते हैं कि क्षणिक रहता है, जब तक हम लोगों का कार्यक्रम होता है तब तक के लिए हमें जोश होता है, फिर कार्यक्रम खत्म हो जाता है, हम लोगों का जोश खत्म हो जाता है। तो हमें अपने राष्ट्र को एक उच्च शिखर पर ले जाने के लिए इस जज्बा को स्कूल के लेवल पे भी हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम मंडल लेवल पे
जयनगर अनुमंडल में इस तरह का आयोजन बराबर होता रहना चाहिए ताकि बच्चों को मौका मिलता रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ सांस्कृतिक समारोह, ये तो मेरा पहला समारोह था। आज इस सांस्कृतिक समारोह में आकर मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। मैं चाहूंगा कि भारत विकास परिषद के द्वारा इस तरह के जो भी ये मतलब जैसे जैसे फेस्टिवल होते हैं उस फेस्टिवल में इस तरह के प्रोग्राम को आयोजित करें और हमारे बच्चों को के हौसला को बढ़ाते रहें। धन्यवाद। भारत विकास परिषद ने एक अच्छा पहल किया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अच्छे प्रोग्राम करके, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। स्कूल मैनेजमेंट से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि वो डिसिप्लिन के साथ साथ अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते रहे बच्चों को, उनका हौसला अफजाई करते रहे। और जो प्रोग्राम उन्होंने आज दिया है काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा लगा सभी को देख के, सभी ने एंजॉय किया। जो देशभक्ति का जज्बा इन्होंने दिखाया है खास करके प्लस टू विश्वविद्यालय के बच्चों ने, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं चाहूँगा कि इस जज्बे को बरकरार रखें और भविष्य में अपने घर के लिए अपने देश के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करें ताकि एक